सो हे गाइस, व्हाट इज अप एवरीबॉडी। तो स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल एनएस रिएक्शन में। सो गाइस, जैसे कि आप सब लोगों को पता होगा कि कल रात को जो है ना, हमारे जो बॉलीवुड के लेजेंडरी सीनियर एक्टर है श्री अमिताभ बच्चन सर, उनको और जो उनके बेटे अभिषेक बच्चन, वो एक्चुअली कोरोना पॉजिटिव निकला उनका जो रिपोर्ट है। तो वैसे ही मतलब जो अमिताभ बच्चन सर है, वो हमेशा लोगों को कुछ ना कुछ ऐसे मोटिवेशन देते रहते हैं अपने मतलब सोशल मीडिया अकाउंट्स पे। तो उन्होंने वैसे ही 2 दिन पहले लोगों को एक मोटिवेट करने के लिए, जो अभी सिचुएशन चल रहा है उसमें से मोटिवेट करने के लिए, उन्होंने एक ट्विटर पे अपनी एक कविता खुद के आवाज़ में बोली थी। तो चलो वो वीडियो देखते हैं, उसके बाद अपना रिएक्शन देते हैं। तो लेट्स गो। यो बूम, the thing goes grrr, pop 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 skitty kick pop pop। नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। महानायक अमिताभ बच्चन की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद वो नानावटी अस्पताल में एडमिट हैं। लेकिन कोरोना से संक्रमित होने के बाद भी महानायक अमिताभ बच्चन लोगों को कोरोना से ना घबराने की सलाह दे रहे हैं। सोशल मीडिया पर सक्रिय रहने वाले अमिताभ ने खुद ही ट्वीट कर कोरोना पॉजिटिव होने की सूचना फैंस को दी थी। सोशल मीडिया के जरिए लोगों को हर बार किसी न किसी मुद्दे पर हिम्मत देने वाले अमिताभ ने 2 दिन पहले भी ऐसी ही कविता साझा की थी, जिसमें उन्होंने लोगों को इस मुश्किल समय में डटे रहने के लिए प्रोत्साहित किया था। अमिताभ ने अपनी आवाज़ में इस कविता को शेयर किया था। कविता के बोल कुछ ऐसे हैं, सुनिए। गुजर जाएगा, मुश्किल बहुत है मगर वक्त ही तो है। भाई, उनके आवाज में इतना दमदारपना है ना कि मतलब अंदर से एनर्जी आ जाती है, एक मतलब मोटिवेशन मिलता है कि हाँ भाई, हमें इस सिचुएशन से लड़ना है, हमें हार नहीं मानना है। तो चलो वीडियो को आगे देखते हैं, उसके बाद मैं बताता हूँ आपको। शब्दों के माध्यम से अमिताभ ने लोगों को कोरोना काल से लड़ने और इसके खिलाफ अपना संयम बनाए रखने को प्रेरित किया था। उन्होंने 8 जुलाई को ट्वीट कर ये खूबसूरत कविता साझा की थी। गौरतलब है कि शनिवार देर रात अमिताभ और अभिषेक बच्चन दोनों कोरोना पॉजिटिव पाए गए। इसके तुरंत बाद उन्हें नानावटी अस्पताल में एडमिट किया गया। रैपिड टेस्ट के बाद उनका दूसरा टेस्ट किया गया है, जिसकी रिपोर्ट 24 घंटे के अंदर आ जाएगी। जया बच्चन, ऐश्वर्या राय बच्चन और आराध्या बच्चन का कोरोना टेस्ट भी किया गया था। तीनों के टेस्ट रिपोर्ट नेगेटिव पाए गए। उनके पूरे स्टाफ का भी कोरोना टेस्ट किया गया है। फिलहाल अमिताभ और अभिषेक के जल्द ठीक होने की दुआ पूरा देश कर रहा है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार। सो गाइस, वीडियो देख के तो अभी हो चुका है, और मतलब जब उनका आवाज आया ना वो कविता में, तो सच में बोलता हूँ उनकी जो आवाज में जादू है ना, उससे मुझे एकदम से ऐसे पॉजिटिव एनर्जी मिली और मतलब मोटिवेशन मिला कि मतलब मुझे नहीं, आपको ही मिला होगा कि हाँ बाबा, ये जो सिचुएशन है वो एक दिन जाएगी, मतलब तब तक हमें हिम्मत नहीं हारना है और हमें उससे लड़ना है। भले कुछ भी हो जाए, हमें हिम्मत नहीं हारनी है, ऐसा आपको जरूर मोटिवेशन मिला होगा। मतलब और वो हमेशा ऐसे ही देश के लोगों को है ना, मतलब कोई भी मुद्दा हो उस पर मतलब मोटिवेशन देते रहते, हिम्मत देते रहते। और मैंने थोड़ी दिन पहले ना उनका और एक वीडियो देखा था, जिसमें उन्होंने मतलब जो डॉक्टर्स है हमारे लिए जो लड़ रहे हैं उनके लिए थैंक यू बोला था उन्हें। मतलब वो सीन ऐसा था कि उन्होंने मतलब एक ट्वीट देखा था जिसपे उन्होंने ऐसा पढ़ा था कि तुम्हें पता है क्या मंदिर क्यों बंद है, क्योंकि जो भगवान है वो हॉस्पिटल में व्हाइट कोट पहन के हमारे लिए लड़ रहे। तो वो बात उनको मतलब बहुत अच्छी लगी थी और उन्होंने उस बारे में वो वीडियो में बोला था। तो आप भी एक बार वो वीडियो चेकआउट कर लेना, बहुत ही मतलब उन्होंने एक पॉजिटिव मैसेज दिया है सबको। और हम दुआ करते हैं कि वो और उनके साथ मतलब जितने भी अभी मतलब सिचुएशन आपको पता ही है इंडिया में क्या हुई, इंडिया के मतलब कितने सारे पेशेंट का काउंट बढ़ गया, इंडिया टॉप 3 कंट्री में आता है, मतलब तीसरे नंबर पे आता है सबसे ज़्यादा कोरोना इफेक्टेड में। तो हम दुआ करते हैं उनके लिए, मतलब उनके लिए और जितने लोग हैं उनके साथ, मतलब अभी जो कोरोना के पेशेंट्स हैं उनके लिए हम लोग दुआ करते हैं कि वो
जल्द से जल्द ठीक हो जाए और ठीक होके घर पे आ जाए और ये जो अभी सिचुएशन चल रहा है ये जल्द से जल्द खत्म हो जाए। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और यूट्यूब चैनल NS Reaction।